नमस्कार आप सबों को, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा। मैं आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। इसके पहले मैंने इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई थी जिसे वॉल्यूम 1 कहा गया है, जिसके अंतर्गत हमने NCF 2005 के प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रमुख सुझावों पर चर्चा की थी। आज आप लोगों के लिए है वॉल्यूम 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे NCF 2005 के प्रमुख भाग और उसके अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं NCF 2005 वॉल्यूम 2। NCF 2005 में लिखा है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि किस चीज़ से मुक्त करने वाली प्रक्रिया, तो इसे स्पष्ट करता है आगे का लाइन कि शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि जो भी शोषण और अन्याय समाज में होता है, गरीबी है, लिंग भेद, जाति, इन सारी चीज़ों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही जो है वो किसी भी प्रकार के बंधन से बंध करके नहीं रहता है, ताकि हमारे बच्चे शिक्षा की प्रक्रिया से वंचित ना रहे। फिर आगे है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि किसकी अध्यक्षता में NCF 2005 का निर्माण किया गया, तो उत्तर होगा प्रोफेसर यशपाल। साथ में ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसकी पहल पर इसका निर्माण किया गया, तो उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। NCF 2005 में लिखा है, ज्ञान केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। यानी ज्ञान ऐसा हो जिसके द्वारा बालक अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो पाए। ज्ञान केवल किताबी ना हो, बुकेज नॉलेज ना हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में रटने की प्रवृत्ति होती है, तो इसे विकसित ना किया जाए बल्कि मुक्त किया जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में समझने की शक्ति, चिंतन शक्ति को विकसित किया जाए। फिर है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं हो। ऊपर के लाइन में भी हमने ये देखा था कि ज्ञान केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, तो उसी से ये संबंधित है कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित ना हो बल्कि वो व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाला हो। यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित ना हो करके ज्ञान व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाला हो। इसके अलावा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। यानी शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय मूल्य के प्रति एक सम्मान हो और आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, ताकि एक कुशल नागरिक का निर्माण हो सके। अब हम देखेंगे NCF 2005 के भाग। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत NCF 2005 के परिचय को लिखा गया है। फिर है सीखने का ज्ञान। इसमें सीखने का ज्ञान कैसा हो, किस तरह का हो, इसकी चर्चा की गई है। फिर तीसरा भाग है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। यानी पाठ्यचर्या का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्कूल की अवस्थाएं कौन कौन सी है और उसका आकलन किस प्रकार होगा, इस भाग में इसकी चर्चा की गई है। फिर है विद्यालय व कक्षा वातावरण। यानी विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो, इस चौथे भाग में इस बात की चर्चा की गई है। फिर आते हैं व्यवस्थागत सुधार। NCF 2005 के इस 5वें भाग में विद्यालय के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो स्तर हैं, उसमें किस तरह से व्यवस्थागत सुधार होगा, इसकी चर्चा की गई है। तो हमने देखा NCF 2005 के 5 भाग। NCF 2005 के पाठ्यचर्या क्षेत्र, यानी NCF 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या के कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। पहला है पारंपरिक, दूसरा है अन्य। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल, अन्य यानी अदर। तो पारंपरिक विषय में है गणित, मैथमेटिक्स, भाषा, लैंग्वेज, विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। अन्य विषय के अंतर्गत हैं कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन,
आदत एवं अधिगम, हैबिटेट एंड लर्निंग। तो इस तरह से हमने देखा NCF 2005 के अंतर्गत पाठ्यचर्या क्षेत्र, NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक कैसा हो। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक हो। यानी कि जो शिक्षक है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि एक सुगमकर्ता है, एक फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ और बोध में, उसका मीनिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग बदलने में जो प्रक्रिया होती है उसको विभिन्न उपायों के द्वारा बच्चों को सिखाए, समझाए और उसके लिए सहायककर्ता के रूप में हो। यानी कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक एक सुगमकर्ता हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक कैसा हो, यानी कि यह एक सुगमकर्ता हो, इस बात का सब ध्यान रखेंगे। NCF 2005 में छात्र के प्रति दृष्टिकोण, यानी NCF 2005 के अनुसार छात्र किस तरह से होता है, कैसा होता है। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति या प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। हम ये जानते हैं कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जिस कारण उसके सीखने की गति यानी स्पीड, उसकी प्रकृति यानी नेचर अलग अलग होता है, और इसके अनुसार ही वो सक्रिय रूप से अपने प्रीवियस नॉलेज और अचीवमेंट को, यानी पूर्व ज्ञान और उपलब्धि को, जो उपलब्ध गतिविधि होती है या जो सामग्री होती है उसके आधार पर अपने लिए कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अर्थ का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से NCF 2005 में छात्र के प्रति ये दृष्टिकोण रखा गया है। NCF 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण, NCF 2005 में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। हम ये जानते हैं कि भाषा मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर पाता है। NCF 2005 में कहा गया है कि बच्चों में भाषा समझने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता जन्मजात होती है, यानी कि यह एक जन्मजात योग्यता है जिसके द्वारा बालक भाषा को समझता है और उसे अभिव्यक्त करता है। NCF 2005 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी कि प्राइमरी लेवल में जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में हो, शिक्षा मदर लैंग्वेज में हो, ताकि बालक आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सके। NCF 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण, यानी NCF 2005 का गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है, आइए देखते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने के लिए बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व के समस्या समाधान के लिए अनेक युक्तियों जैसे सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति का प्रयोग करते हैं। हम ये जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बच्चों के तार्किक क्षमता का विकास होता है, चिंतन क्षमता का विकास होता है, यानी कि गणित के द्वारा बालक के रीजनिंग पावर का डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग पावर का डेवलपमेंट होता है। तो उसके जो मूल संरचना होते हैं उसको समझने के लिए वह बीजगणित का प्रयोग करता है, रेखागणित का, त्रिकोणमिति का, या अन्य और भी भाग हैं गणित के उसका प्रयोग करता है, और उसके समस्या समाधान के लिए अनेक युक्ति जैसे सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है इन सारी चीज़ों के द्वारा बालक में चिंतन शक्ति, उसकी जो तार्किक क्षमता है, इन सब का विकास होता है। यानी कि गणित विषय ऐसा है जिसके द्वारा बालक अपने दैनिक जीवन में गणित से संबंधित जो भी समस्या है उसको समाधान कर सकता है, ऐसा NCF 2005 में कहा गया है। NCF 2005 में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, यानी NCF 2005 का विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण है। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु या घटना के प्रति जो विशेष ज्ञान होता है हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। तो
तो आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है। पाठ्य पुस्तकों में गतिविधियों, सूक्ष्म अवलोकन, प्रयोग को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो टेक्स्ट बुक होंगे वो एक्टिविटी बेस्ड होंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होंगे और प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, इनको शामिल करके ही टेक्स्ट बुक का निर्माण किया जाए। लोकप्रिय पुस्तक उपलब्ध कराने चाहिए। लोकप्रिय पुस्तक का तात्पर्य हम इंसाइक्लोपीडिया के रूप में ले सकते हैं कि बालकों को शब्दकोश उपलब्ध कराए जाए जिनसे उनमें विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। रटने को हतोत्साहित, इसकी बात हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए, बालक में चिंतन क्षमता को विकसित किया जाए। आविष्कार व रचनात्मकता पर बल, जहाँ हम विज्ञान की बात करते हैं वहाँ आविष्कार अपने आप आ जाता है, यानी कि बालक में आविष्कार करने के लिए उसे प्रेरित करें, उसकी सृजनात्मकता क्षमता, सृजनात्मकता शक्ति को विकसित करें। विज्ञान मेला, बाल विज्ञान कांग्रेस इत्यादि पर बल, समय समय पर विज्ञान मेला का आयोजन हो, बाल विकास कांग्रेस का आयोजन हो, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। शिक्षकों के सशक्तिकरण में सुधार, यानी कि शिक्षकों को भी सशक्त किया जाए कि वो अपडेट रहे, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी खोज हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को बालकों को बताए, ताकि बालकों का जो रुचि है वो विज्ञान विषय के प्रति हो पाए। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान किस तरह से होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने इस स्लाइड में अभी चर्चा की। आइए अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, यानी एनसीएफ 2005 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के प्रति क्या दृष्टिकोण है। सामाजिक विज्ञान छात्र में सामाजिकता का विकास करता है, साथ ही छात्र की सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा छात्र में सामाजिकता का विकास होता है और इसके द्वारा सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल भी विकसित करता है। इसमें ये कहा गया है कि छात्रों को वाद विवाद तथा वार्ता के लिए प्रोत्साहित करना, समय समय पर वाद विवाद यानी डिबेट, वार्ता यानी डिस्कशन का आयोजन करना और छात्रों को इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना। अपने स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति, छात्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि अपने स्वयं के विचार को वो अभिव्यक्त करें, किसी वुकेज नॉलेज को या किताबी ज्ञान को ना बोले बल्कि उसके जो स्वयं के विचार हैं उसको अभिव्यक्त करें, इस चीज़ के लिए हमेशा उसे प्रेरित करना। संप्रत्यय तथा दैनिक जीवन के बीच संबंध, जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उसका दैनिक जीवन के बीच क्या संबंध है, इस बात के लिए हमेशा उनको तैयार रखना, उनको बताना, ताकि उनका ज्ञान किताब तक ना सीमित रह पाए, जो हम हमेशा से चर्चा कर रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है देश की सामाजिक आर्थिक समस्या को समझना, यानी देश की जो सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, इन सब चीज़ों को समझना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा की एनसीएफ 2005 के जो भाग हैं और उनके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।